प्रधानमंत्री ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा है कि ऑपोजिशन का यानी कि विपक्ष का सिर्फ एक ही एजेंडा है, उनको हटाना, और कोई एजेंडा नहीं है आप लोगों का। देखिए, सरकार जनता चुनती है और जनता ही हटाएगी या रखेगी, इसका निर्णय तो पब्लिक करेगी, मतदाता करेंगे, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि एक भूमिका निभाएं, सवाल उठाएं, जो कटघरे में खड़े करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज अत्याचार है, उत्पीड़न है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो सवाल उठाना स्वाभाविक है, उसका जवाब मिलता नहीं है और पिछली सरकारों को दोष देने का काम किया जाता है। ये कब तक चलेगा? 4 साल में बीजेपी सरकार ने क्या किया उसका लेखा जोखा सामने आए, और नोटबंदी GST के बाद जो अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म करने का जो काम किया है उसकी जवाबदेही किसकी है? पिछली सरकार को दोष देकर अपनी कमियों पर पर्दा कब तक डालेंगे आप? वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो नौकरियां भी क्रिएट की हैं, ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं क्रिएट हैं। आप और आप लोग जो टारगेट कर रहे हो कि इससे ज़्यादा बेरोजगारी पिछले 70 सालों में नहीं देखी गई जितनी अब है। देखिए, हकीकत सब जानते हैं, अब झूठे आंकड़े, झूठे नारे, जुमले देने से कब तक काम चलेगा? आज नौजवान लोगों को कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। मैं चैलेंज करना चाहता हूं बीजेपी की सरकार को कि आंकड़े प्रस्तुत कर दें कि किन सौभाग्यशाली लोगों को नौकरियां मिली हैं, हम भी उनको धन्यवाद दें, उनको शुभकामनाएं दें जिनको नौकरियां लगी हैं। लेकिन ये 4 साल तक अर्थव्यवस्था को बिल्कुल धरातल पर लेकर आए हैं, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उस पर नियंत्रण करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, और इकॉनमी को लेकर बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं। इसलिए अब वो पुराना जो इनका एक्सक्यूज़ है कि पिछली सरकार को दोष देकर काम चला लो, वो चलने वाला नहीं है। आप तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरियां क्रिएट की हैं। नहीं, उन्होंने कितनी नौकरी क्रिएट की हैं भाई? जो वादा किया था उतनी करी हैं कि नहीं करी हैं? और करी हैं तो किन किन को करी हैं? इन्वेस्टमेंट्स हो नहीं रहे, जो स्मॉल कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका दिवालिया निकल रहा है, और GST के बाद लोगों को पीड़ा हुई है। आंकड़े दिखाते हैं कि रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है? लोगों को कितनी मुश्किल कठिनाई हुई है, जो छोटे दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, और GST को सरल बनाने की जगह जटिल बनाया गया है। जो परिकल्पना हमने GST की थी उससे बहुत परे है ये वाला GST। जी, आखिरी सवाल, उन्होंने कहा है कि जो GST है, जिसकी भी आप भी बात करें, कि उसके अलग अलग स्लैब्स ही हो सकते हैं, दूध को और मर्सिडीज़ को एक स्लैब पर नहीं आप लोग रख सकते, ये कहना है प्रधानमंत्री का? स्लैब्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 28% का स्लैब, ये किसकी पहल थी, किसकी चॉइस थी? हमारी सरकार के समय हमने 18% के स्लैब की वकालत करी थी, और जब हमने देखा जब चुनाव आते हैं तो गुजरात में चुनाव थे तो गुजरात से संबंधित इंडस्ट्री को रियायत दी गई जानबूझ के, तो हर चीज़ को पोलिटिसाइज किया गया है। और 6 स्लैब्स लगातार रिपोर्टिंग करना, जिन गाँव देहात इलाकों में इंटरनेट नहीं है, वहाँ पर लोग फाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं, अकाउंटेंसी की जो कॉस्ट है वो छोटे दुकानदार के लिए बढ़ गई है, इसका मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। मूल्यांकन करो, सवाल पूछो, अगर आंकड़े प्रस्तुत करो तो आपको देशद्रोही बोला जाता है, जवाब दिया नहीं जाता तो पिछली सरकार पर दोष दिया जाता है, ये अब आगे चलने वाला नहीं है। तो ये कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का इस पूरे मसले के ऊपर।